डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मोस्टली हर साल हरियाणा बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, दोनों के अंदर जो क्वेश्चन है वो हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन क्या बनता है, मोस्टली हमारी या तो जैसे तीन टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो पांच पढ़ेंगे हम, लेकिन तीन मेन इम्पोर्टेंट होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। या तो इन पांचों की डेफिनेशन पूछ ली जाती है या फिर इनके लिए कंडीशन पूछ ली जाती है कि फेरोमैग्नेटिज्म के लिए क्या कंडीशन है, एनटी के लिए क्या है, इस प्रकार से। या फिर सीबीएसई है कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि इसका एग्जाम्पल बताइए, डायमैग्नेटिक का क्या हुआ या पैरामैग्नेटिक का क्या हुआ। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो नाम से ही पता चला मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब इनको अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको बोला जाता है चुंबकीय गुण। अब जैसा कि आप देखते हो, अगर हमारे पास आयरन है यानी कि लोहा है और मेरे पास एक मैग्नेट भी है, तो अगर हम उनको क्लोजर लेके आएंगे तो जो आयरन है वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा, वो क्या है, ये सारी बातें हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे एक एटम की, इसकी बात करेंगे एटम। आपको पता है एटम क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, सबसे छोटा विभाजित ना होने वाला पार्टिकल, मतलब जिसको और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता। और दूसरी डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं, ये एटम के नाइदर भी क्रिएटेड नोर भी डेस्ट्रॉयड ये बोल सकते हैं, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर इसको भी डिसोसिएट कर लिया गया है, ये पाया गया है। इसके अंदर जो मेन तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसलिए इसकी जो नई डेफिनेशन दी गई है उसमें बोला गया है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड। ये डेफिनेशन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपली आपको बता रहा हूँ। एटम की स्ट्रक्चर आप बनाते हो, सेंटर के अंदर आपका न्यूक्लियस दिखा देते हो और इसके चारों तरफ जो है ऑर्बिट्स के अंदर कौन रिवॉल्व करते हुए दिखा देते हैं आप इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्चुअल में जो एटम वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, मतलब इसको आसान बनाने के लिए हम यही मॉडल जो है एक बार कंसिडर कर लेते हैं। इसका जो सेंटर है वो क्या होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसके अंदर हमारे कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन है वो दो टाइप का रेवोल्यूशन होता है, एक वो जो शो करता है ऑर्बिटल मोशन और एक वो जो शो करता है स्पिन मोशन। आप इसको सिंपल भाषा में समझिए कि जैसे सपोज कीजिए हमारा जो सन है, सन मतलब सूरज, सन के चारों तरफ हमारी जो अर्थ है वो लगातार क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है, मतलब वो पृथ्वी का जो है सन के चारों तरफ कौन सा मोशन है, ऑर्बिटल मोशन। जैसे सन हो गया, जो अर्थ है हमारे इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रही है। लेकिन आपको पता अर्थ जो खुद अपनी दूरी पे भी रिवॉल्व करती है जिससे दिन रात बनते हैं, तो ये अर्थ का क्या हो गया हमारा स्पिन मोशन, क्या होगा स्पिन मोशन। मतलब बेसिकली हमारे दो टाइप के मोशन होंगे, जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है ऑर्बिटल मोशन, और जब खुद की दूरी पे चक्कर लगा रही है स्पिन मोशन। सेम केस एक इलेक्ट्रॉन का होता है, किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे दो टाइप के मोशन शो करता है, एक ऑर्बिटल मोशन और दूसरा शो करता है वो स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, जब वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और स्पिन मोशन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन खुद अपनी दूरी यानी अपने एक्सिस के ऊपर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन शो टू टाइप्स ऑफ मोशन, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है हमारा
वो क्या शो करता है भाई, टू टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर एक मैंने आपको बताया ऑर्बिटल मोशन, नंबर दो मैंने आपको बताया स्पिन मोशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन क्या है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इसका कौन सा मोशन है, ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन के अंदर क्या लिखेंगे हम, वह एन इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, वो क्या कहलाता है उसका ऑर्बिटल मोशन, देन इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। फिर इसके अंदर ये डायग्राम बना लेंगे आप कि ये न्यूक्लियस हो गया हमारा और इसके चारों तरफ कौन सा लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, वो उसका कौन सा मोशन हो गया, ऑर्बिटल मोशन। दूसरा क्या है हमारा, स्पिन मोशन, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, स्पिन मोशन क्या बताया मैंने, जब इलेक्ट्रॉन खुद अपने एक्सिस के ऊपर चक्कर लगाता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन एक्सिस एंड एक्सपीरियंस, या फिर बोल सकते हैं क्रिएट ए फील्ड। जब वो अपनी धुरी के ऊपर चक्कर लगाएगा तो क्या क्रिएट कर देगा, वो एक फील्ड क्रिएट कर देगा एंड एक्ट्स एज ए टिनी मैग्नेट। रोज इलेक्ट्रॉन है खुद किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, एक छोटे चुंबक की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसका स्पिन मोशन। कैसे, अब समझिए, जैसे सपोज कीजिए भाई ये जो पॉइंट है मेरा, ये न्यूक्लियस है और ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, मतलब ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, कौन सा मोशन, ऑर्बिटल मोशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद अपनी दूरी पे भी चक्कर लगा रहा है, खुद के एक्सिस पे, वो क्या होगा उसका, स्पिन मोशन। अब आप खुद एक बार खड़े होकर के ये चीज को महसूस कर सकते हो, जब आप अपने हाथ को लगातार ऐसे स्पीड से रिवॉल्व करोगे, ऐसे बिल्कुल फास्ट आप रिवॉल्व करोगे, तो थोड़ी देर में आपको लगेगा यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा कि कोई फील्ड क्रिएट हो गई है, आपकी जो उंगलियां हैं, आपका जो हाथ है, आपके जो एयर्स है, वो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए हैं, मतलब क्या है, फील्ड क्रिएट हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, वो जो ये स्पीड हम कर रहे हैं इससे बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो जो स्पीड के साथ वो रिवॉल्व करता है, तो उस कारण से वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है कि टिनी मैग्नेट की तरह है। अब किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किस प्रकार से वो अरेंज है, इसके बेसिस पर जो सॉलिड्स हैं उनको फिर कैटेगराइज किया जाता है। तो इसके बेसिस पर सॉलिड्स को हम 5 तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, On this basis, solids are categorized into five types. Solids जो है, उनको कितने तरह के substances के अंदर categorize किया गया है? 5 type के अलग अलग कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है, जिसके अंदर हमारा नंबर 1 आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या आता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नंबर 2 डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। नंबर 3 फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। नंबर 4 एंटी ferromagnetic substance और लास्ट है ferrimagnetic substance। तो ये जो है 5 टाइप के हमारे
अलग अलग टाइप के सॉलिड्स हो सकते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरो एफ ई आर आर ओ मैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और लास्ट वन इज फेरी एफ ई आर आर आई। बस थर्ड और फिफ्थ में क्या डिफरेंस है, इसमें फेरो एफ ई आर आर ओ है और फिफ्थ में है एफ ई आर आर आई, बस ये जो है इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है और डेफिनेशन में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं, क्या बोला अभी मैंने, ऐसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट किए जाएंगे, जैसे चुंबक है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब वो कैसा सब्सटेंस है, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो लिखेंगे द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हमें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड द फिनोमिनन यानी प्रोसेस इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिज्म, और उस प्रोसेस को भाई क्या नाम दिया जाता है हमारा, पैरा मैग्नेटिज्म। तो देखेंगे द सब्सटेंस व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो बाह्य चुंबकीय बल के द्वारा भी अट्रैक्ट किए जाएंगे उनको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे, और उस फिनोमेना उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भैया, बेसिकली पैरामैग्नेटिज्म। इसके बाद आता है इसकी कंडीशन क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा जो कंपाउंड या कौन सा जो सॉलिड है वो पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा जो कंपाउंड या सॉलिड है वो किसी और कैटेगरी के अंदर लाया करेगा। तो इसके लिए हमारी एक ही कंडीशन है भाई कि जो सब्सटेंस है उसके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। द सब्सटेंस मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या होना चाहिए उसके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बोल सकते हैं हम, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। उसका जो ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फिल नहीं होना चाहिए, वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। ऐसे सब्सटेंस क्या शो करेंगे, पैरा मैग्नेटिज्म। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है इसके एग्जांपल। इसका जो एग्जांपल है भाई, कोई भी वो आप कंपाउंड या सब्सटेंस लिख सकते हैं जो क्या रखता हो, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। तो इसके अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, एफ ई टू पॉजिटिव कोमा कॉपर टू पॉजिटिव कोमा निकिल टू पॉजिटिव ओ टू सी आर थ्री पॉजिटिव ई टी सी। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड हमारे क्या है भाई, पैरामैग्नेटिक जो है सब्सटेंस। उसके बाद सेकंड करते हैं हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या करेंगे भाई, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब पैरामैग्नेटिक थे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट किए जाएंगे, ये क्या किए जाएंगे, थोड़े से वीकली रिपेल किए जाएंगे। द सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, विच आर रिपेल्ड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डायमैग्नेटिज्म, और उस फिनोमिना को बेसिकली क्या बोला जाता है भाई, डायमैग्नेटिज्म। अब देखो पैरामैग्नेटिक क्या थे, अट्रैक्ट किए जाते थे यानी इनकम्प्लीट ऑर्बिटल चाहिए, ये रिपेल किए जाएंगे
मतलब यहां से इसकी कंडीशन को याद कर सकते हैं भी जो ऑर्बिटल हो फुल्ली फिल्ड है या फिर बिल्कुल एम्प्टी है, यहां से इसकी कंडीशन आ जाती है। क्या कंडीशन होगी? द सबस्टांस मस्ट हैव फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और एम्प्टी ऑर्बिटल, या तो पूरी तरह से भरा हो या फिर पूरी तरह से ऑर्बिटल क्या हो, खाली हो। ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं भैया हमें? डायमैग्नेटिक। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं भैया हम डायमैग्नेटिक के लिए TiO2, H2O यानी वाटर, NaCl सोडियम क्लोराइड, बेंजीन ATC। अब बात आती है ये एग्जांपल, ये जो मेथड आप घर पे जो है अपना आसानी से इसको करके देख सकते हो। आपको क्या करना है, एक बोल के अंदर जो है पानी लेना है और जो मैग्नेट होता है वो लेना है। आप जब मैग्नेट को उस वाटर के करीब लेकर के जाओगे, उसके नज़दीक लेकर के जाओगे, तो आप देखोगे वाटर स्लाइटली मूव कर, ऐसा नहीं है कि वो वाटर बॉल के अंदर से बाहर निकल के भाग लेगा रिपेल होके, नहीं भाई। मैंने बताया वीकली रिपेल, क्या बोल रहा है ये? वीकली रिपेल मतलब बहुत कम रिपेल होगा जब आप उसको देखोगे, या फिर इसकी बजाय आप बेस्ट रहेगा NaCl लेना, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, आप नमक को लेना और मैग्नेट को उसको क्लोज लेकर के जाना। आपको देखेंगे जो पार्टिकल है लेंस के साथ देखना, पार्टिकल्स के अंदर स्लाइटली जो है आपको मूवमेंट दिखाई देगी, मतलब वो जो सब्सटेंस है बेसिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल किए जा रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोल देंगे हम? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है? इसके बाद हमारा थर्ड जो टाइप आता है, इन सब से बिल्कुल अलग अनोखा और हट करके और बहुत सारे प्रोसेसेस के अंदर जो है वो फिनोमिना हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं थर्ड हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर जो है परमानेंट मैग्नेटिज्म होगा, इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है, जैसे ये हमारा कोई सब्सटेंस है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, इसके अंदर क्या आ गया? मैग्नेटिज्म आ गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं हम तो इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर मैग्नेटिज्म बच जाता है तो क्या होता है हमारा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब क्या होंगे? द टाइप ऑफ सॉलिड्स विच शो परमानेंट मैग्नेटिज्म, विच शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द अब्सेंस ऑफ, इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फिनोमिनन, एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक। फिनोमिनन को क्या बोलते हैं भी हमें? फेरोमैग्नेटिज्म। और उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे जो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करता है इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया है फिर भी उसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म है, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हमें? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके बाद आती है हमारी कंडीशन कि भी ऐसे कौन से कंपाउंड होंगे जो क्या शो करेंगे? फेरोमैग्नेटिज्म शो करेंगे। तो इसके लिए कंडीशन क्या है भाई? दिस इज ड्यू टू अलाइनमेंट, ALIGNMENT अलाइनमेंट ऑफ
डोमेन्स इन वन डायरेक्शन, कि जब जो सारे डोमेन्स हैं वो एक डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सट्रेट। अब क्वेश्चन आता है डोमेन्स क्या होते हैं। डोमेन्स बेसिकली एक टाइप के ऐसे फील्ड मान सकते हो, एक ऐसे पार्टिकल मान सकते हो जो जब सारे एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो उनके फोर्स एड अप हो जाते हैं और वो जो है लार्ज मैग्नेटिज्म शो कर देते हैं। कैसे, जैसे मैं डोमेन्स को ऐसे दिखा देता हूँ, जब सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अब जैसे आपने स्पिन को एटम नंबर पढ़ा है, उसमें हम स्पिन की वैल्यू दो लेते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। अगर सारे एक डायरेक्शन में अलाइन है तो सबकी प्लस हाफ लेके चलेंगे, अगर अपोजिट है एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे लेकर के चलेंगे। तो जब अलाइनमेंट होगी डोमेन्स की एक डायरेक्शन के अंदर, जैसे सारे ऊपर की तरफ होगी तो क्या होगा, प्लस हाफ प्लस हाफ। साफ कॉपी में आपको प्लस हाफ नहीं लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो जब इन सारों की वैल्यू आप एड अप करके देखोगे तो लार्ज वैल्यू आएगी, मतलब एक्सल मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, फिर भी क्या है उनके अंदर मैग्नेटिज्म है। इसके बाद आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल। तो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल होगा अपना आयरन। लेकिन देखिए पैरामैग्नेटिक में मैंने लिखा था Fe2 पॉजिटिव आयनिक फॉर्म थी, यहाँ पे जो है प्योर आयरन। उसके बाद निकल, निकल भी मैंने वहाँ पे 2 पॉजिटिव लिखा था, यहाँ पे प्योर निकल लिख रहा हूँ, ठीक है। और कोबाल्ट ETC। इसके अलावा और भी ले सकते हो आप एग्जाम्पल, अगर आप और लिखना चाहो तो गोडोलिनियम जिसका सिंबल होता है GD और CrO2 ETC। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड है हमारे क्या शो करते हैं भाई, फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। क्लियर है, कंडीशन क्या है इसके लिए, डोमेन सारे एक डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। उसके बाद अपना हमारा फोर्थ, फोर्थ के अंदर क्या होगा हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे कि आपने सुना होगा आपका जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, उसमें वायरस को मारने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटी वायरस, वायरस को खत्म करने के लिए एंटी वायरस। उसी प्रकार से फेरोमैग्नेटिज्म तो क्या था, परमानेंट मैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिक जब क्या हुआ, जीरो मैग्नेटिज्म। इसके लिए रीजन क्या रहेगा, इसमें डोमेन्स क्या थे सारे एक डायरेक्शन में थे, इसके अंदर डोमेन्स क्या हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन। मान लिया ऐसे इसके सारे छह तक आप दिखा लें डोमेन्स को, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे, द टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर सपोज्ड टू हैव लार्ज मैग्नेटिज्म। सोचा तो क्या था, टर्म के अंदर क्या होगा भाई, लार्ज मैग्नेटिज्म होगा, बट एक्चुअली हैव जीरो मैग्नेटिज्म। लेकिन एक्चुअल में जो मैग्नेटिज्म होगा वो क्या होगा, उनके अंदर जीरो मैग्नेटिज्म होगा, आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या नाम देंगे उनको, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड द फिनोमिनन यानी प्रोसेस, एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। फिनोमिना को क्या बोल देंगे भैया, हमें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बोल देंगे। फिर आता है कंडीशन क्या है इसके लिए, कंडीशन मैंने बता दी अलाइनमेंट, दिस इज ड्यू टू, ये सेम लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कि जो डोमेन्स है वो किसके अंदर अरेंज होंगे भाई, हमारे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। कैसे, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। सपोज कीजिए इसकी प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, कैंसल आउट, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसल आउट, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसल आउट। मतलब जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हमारी क्या आएगी, इसके लिए जीरो आएगी।
प्लस आप माइनस आप आपने नहीं लिखना, इसको पार्ट करके भी नहीं लिखाना, साफ टॉपिक के अंदर ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ऐसे ऐसे होगा। फिर आ जाता है इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका इकलौता एग्जाम्पल जो हम लिखते हैं वो है मैंगनीज ऑक्साइड MnO, ये क्या होता है हमारा एक एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। इसके बाद हमारी जो लास्ट टाइप होती है जो है हमारा ferrimagnetic substance। ferrimagnetic क्या है भाई, एक्चुअल में एंटी फेरो की तरह इसको भी क्या सोचा जाता है, लाल मैग्नेटिज्म होगा, लेकिन एक्चुअल में बहुत स्मॉल मैग्नेटिज्म होता है। क्या होगा फिर तुम्हारा ferrimagnetic substance, क्या होंगे ferrimagnetic substance, These are the substances which are supposed to have, large magnetism, but actually have small magnetism. एक्चुअल में जो होगा भाई इनके अंदर क्या होगा, स्मॉल मैग्नेटिज्म होगा। आर आर ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे हमें, ferrimagnetic सब्सटेंस। आर कार्ड है ferrimagnetic सब्सटेंस एंड फिनोमिनल, उस प्रोसेस को क्या नाम दे देंगे भैया हम, इस कार्ड है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, सॉरी कार्ड है ferrimagnetic। इसके लिए रीजन क्या है भाई, कंडीशन क्या है इसके लिए, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेन्स, मतलब जो डोमेन्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। कैसे, जैसे मान लिया दो डोमेन्स अपवर्ड एक डाउनवर्ड, दो अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट वाले को कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी इसके लिए क्या आएगी, सारे तो ऐड अप हो गए नहीं, कुछ कैंसिल आउट हो गए, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हमारी क्या आएगी, समान आएगी। फिर इसका एग्जांपल हमारा एक होता है, इसके लिए भी हम करेंगे Fe3O4, ये क्या शो करता है भाई, ferrimagnetic। इसके बाद कई बार एक नंबर में डेफिनेशन आ जाती है क्यूरी टेम्परेचर, क्या होता है क्यूरी टेम्परेचर, इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर, it is defined as the temperature above which no ferromagnetism is observed, ठीक है। मतलब अब ferromagnetism क्या था हमारा, जो permanent magnetism show कर रहे थे substances, external magnetic field नहीं थी फिर भी permanent magnetism show कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर हम रेज कर दें जिससे उसका जो फेरोमैग्नेटिज्म हो नल एंड वॉइड हो जाए, खत्म हो जाए, तो उस टेम्परेचर को बेसिकली क्या बोला जाता है हमारा, क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे यूनिट का जो है हमारा डिफेक्ट्स। थैंक यू।